गर्लफ्रेंड। मेरे चेहरे पे भी चकना खाने पे ऐसी खुशी आती है। मेरी इस फीकी और बेस्वाद जिंदगी का बस वही एक मसाला है। हाँ, तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि तुम एक सर्कल में खड़े हो जाओ, ओके? हाँ, उसके बाद तुम वहाँ से आगे। हाँ पता है। अब सबटाइटल्स के बिना मैंने कभी कोई दूसरी लैंग्वेज की फिल्म तक नहीं देखी थी, पर उसके लिए मैंने फ्रेंच क्लासेस ज्वाइन की। हे यू। हाँ सर जी। स्टैंड अप। हाँ, गेट अप। थैंक यू सर जी। ये नवनीता, देर हो रही है यार। एक्सक्यूज मी, कैन यू रीड दिस? एक सेकंड सिस्टर। यही कहा था, सही है। व्हाट? मेरी सीट है। ए कालू। नहीं 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 यार, प्लीज यार, मुझे बहुत डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? अरे इसकी जगह कोई और मूवी चलना। लहरी तो आएगी ना? अगर लहरी नहीं आई तो देखना मैं भी नहीं आऊंगी। ओ छोड़ा कहीं नहीं जाएगी, और अगर इसे किसी ने छुआ याद रखना कालू से पहले मैं उसकी जान ले लूंगा। भूत नहीं, मैं हूँ। देखो, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें तंग करने के लिए सिर्फ तुम्हारी टिकट खरीदी थी, पर डरो मत, मैं आ गया हूँ। मम्मी। चिल्ला क्यों रहे हो? वो क्या है कि हॉरर फिल्म देख के मेरी फट मतलब हॉरर मूवी से बहुत डर लगता है। हॉरर मूवी में डर नहीं होगा तो क्या रोमांस होगा? वो तो मुझे पता है, पर तो फिर आए क्यों? क्लासेस में तुम अकेले नहीं मिलती, यहाँ अकेली मिलोगी। सोचो मतलब गलत नहीं सोचा, नियत अच्छी। माहौल हॉरर है पर सिचुएशन पूरी रोमांटिक है, ऐसे में दिल की बात करना तो बनता है ना। मैं मूवी देखने आई हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं। प्लीज मेरी बात सुन लो, टिकट का पैसा बाद में वसूल कर लेना। पूरी तरह वसूल करूंगी। तुम लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है, पटती बाद में, वो खर्चे पहले बता देती हो। तुम्हारी खूबसूरती देख के यहाँ पर दिल और दिमाग दोनों हिले हुए होते हैं, ऊपर से तुम लोग बजट भी हिला देती हो, पर तुम्हारी खातिर तो मैं कर्जे में भी डूब जाऊँ, क्योंकि प्यार जताया नहीं जाता है, बस निभाया जाता है। प्योदीप, लड़कों में जब जवानी का फोड़ा फूटता है तब गधी भी परी जैसी लगती है, सोचो तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए। ये मेरे अंदर की हवस नहीं, मेरी मोहब्बत बोल रही है। पहले मुझे प्यार व्यार फिल्मी लगता था, पर जिस दिन से तुम्हें देखा है कम खाता हूँ, कम सोता हूँ, पर फिर भी फुल जोश में रहता हूँ। अगर तुम्हारा साथ मिल जाए तो 200 साल तक जी सकता हूँ। कहते हैं सांसों पे हक सिर्फ ऊपर वाले का ही होता है, पर मेरा बस चले तो वो हक भी मैं तुम्हें ही दे दूँ। साइंस के पास प्यार नापने का कोई फॉर्मूला नहीं है, पर मेरे प्यार को नापने का एक आसान सा फॉर्मूला दे सकता हूँ, जो है 60 जन्मों का प्यार इज इक्वल टू मैं। सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया था, उसके बाद एक और कुछ बताओ ना। अरे पापा जी, खा ले बेटा। आंखें बंद रहती है पर पता नहीं क्यों नींद नहीं आती है कभी भी। पापा जी, मैं जाऊं? हाँ जाइए ना। बस कर, बस बस, ना पका दिए। अच्छा? सोच रहा हूँ दाढ़ी शेव कर दूँ। ये कैसे करते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे। स्पीड ब्रेकर आ गया था। तुम्हें कैसा लगा? रोज गाड़ी में शैम्पू करता हूँ।